ठंड इतना चलने के बाद भी अब हम जा रहे हैं नुब्रा वैली, और हमें लगा था हाइट कम हो जाएगी मगर अभी भी हाइट कुछ नहीं। तो खारदुंग वैली में एल्टीट्यूड है 14,730 फीट, तो हम अभी 14,000 फीट की हाइट पर हैं। कम नहीं है, बहुत ज़्यादा हाइट है अभी, मगर अब थोड़ा यूज्ड टू हो गए हैं, अब हेडेक नहीं हो रहा है। हम चाय के लिए रुके हैं क्योंकि चाय या कॉफ़ी बड़ी ज़रूरी है यार, ठंड में सर दर्द होने लगता है। 14,000 फीट की हाइट पे भाई, जो हमारे लिए, हम टूरिस्ट के लिए इतना काम कर रहे हैं, इतनी दूर आने के लिए रास्ते बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, उनकी भी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। इतनी ठंड है, इतनी ठंड होने के बाद भी लुक एट देम, ये लोग लगे पड़े हैं काम में। कहाँ से हो आप लोग, कहाँ से हो? झारखंड से। वाओ, झारखंड रॉक्स। कब से हो? हम गाजियाबाद से। हाँ, तो यही रहते हो? कितने टाइम से हो यहाँ पे? हाँ, अच्छा, 8 बजे से। मतलब कितना, कितने महीने हो गए यहाँ पे? 2 महीने से। घर कब जाते हो? अच्छा, अक्टूबर में। हिम्मत है, जब गर्मी आती है तो ये लोग आते हैं काम करने के लिए, और विंटर्स में ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। झारखंड से है ज़्यादा, यहाँ की जो ज़्यादा जो वर्कर्स हैं ये बिहार और झारखंड से ही हैं। चलते हैं हम चाय पीने, ठंड हो रही है। वे टू नुब्रा हमें मिलेंगे ऐसे छोटे छोटे ढाबे हर जगह, लैविश रेस्टोरेंट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अच्छा, लस्सी में सत्तू डाल रहे हो? डिस्कवरी चैनल पे दिखाते हैं इसे, पीओ ना, तो बता रहे हो। याक जाए तो होती है, क्या होती है? याक, याक वो जो बले काले काले बाल होते हैं उनके। ऐसा बोलते हो पीओ ना? ये भैया खा रहे हैं सत्तू, सत्तू में डलता है ये सॉल्टेड, ये क्या है, नमक का पानी है, और ये चीज, ये चीज है, हाँ, याक का बटर, और ये है याक का लस्सी। ये सब मिलके बनेगा ये सत्तू, जो कि बहुत होता है गरम। चना लाइक ये लगता? हाँ, हमारा यहाँ से चाय नाश्ता हो गया है कंप्लीट, और अब हम जा रहे हैं आगे नुब्रा वैली के लिए। तो जब हम लद्दाख जाते हैं तो हमें हर जगह मिलते हैं ऐसे छोटे छोटे ढाबे, बहुत लाविश, बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि फैंसी रेस्टोरेंट्स नहीं मिलते हैं, मगर हाँ ऐसे छोटे छोटे ढाबे मिलते हैं जो कि यहीं के लोकल्स ने ओपन करे हुए हैं अपनी आमदनी के लिए। तो यहाँ रुक के इनसे कुछ ना कुछ लेते हुए खाते हुए जाना मत भूलिए, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट भी होती है। क्या नहीं है लद्दाख में, सब कुछ है, सर्वगुण संपन्न है, पहाड़ है, पानी है, बर्फ है, लेत है, सब कुछ मिलेगा। रिवर राफ्टिंग हो रही है, इमेजिन। नुब्रा वैली अभी हम लोग पहुंचे नहीं है, और मौसम, क्या मौसम हो रहा है, मौसम का तो बस मिजाज बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फीला तूफान आने वाला हो, कमाल का मौसम हो रहा है। हल्की हल्की बारिश है, बहुत हल्की हल्की। तो अभी हम लोग नुब्रा देखो पहुंचने वाले हैं, बीच में हम होटल देखते हुए जा रहे हैं, कहीं पे हैं होटल के छोटे छोटे ऐसे ढाबे बने हुए हैं, तो यहीं पे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, अब देखते हैं हमें क्या मिलता है।
ब्यूटीफुल नज़ारा है, लद्दाख से भी ज़्यादा खूबसूरत है ये नुब्रा वैली। पहले हम आए थे तो पहले हम लद्दाख से वापस चले गए थे, नुब्रा तक नहीं आए थे, मगर आप मेरे पीछे देख सकते हो बहुत ख़तरनाक मौसम हो रहा है, बहुत ही ख़तरनाक, और ठंड तो बस अल्टीमेट ठंड है ये, इसका कुछ नहीं है। करा लेना, जो कि हमने नहीं कराया था, तो यहाँ आने से पहले होटल की प्री बुकिंग कराना थोड़ा सा ज़रूरी है अगर आप सीज़न में आ रहे हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट सीज़न है और ज़्यादा हमें होटल्स मिले नहीं। तो हमें अभी एक ये होम स्टे टाइप मिला है, अब देखते हैं यहाँ पे कैसा होता है। मिल जाएंगे होटल्स बहुत हैं नुब्रा वैली में, ऐसा नहीं है कि होटल्स नहीं मिलेंगे आपको, मिल जाएंगे, मगर प्री बुक होगा तो थोड़ा ईजी हो जाएगा। और यहाँ आने से पहले टाइम का बहुत ध्यान रखिएगा, कोशिश करना कि लेह से नुब्रा आप मैक्स टू मैक्स 4 to 5 PM तक पहुंच जाइए, 5 या 6 बजे के बाद आप पहुंचेंगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, अदरवाइज़ होटल्स इजीली अवेलेबल हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम लोग कहाँ रुकेंगे। अब खारदुंगला पे क्या हुआ था? सांस नहीं आ रहा था। तो परसों तो आपका बर्थडे है, फिर हम दोबारा आज फिर कल फिर चलेंगे। और क्या हो रहा था? और बेटा तो चौंग लाए टकलाए लाए परोला चलाए तो हम ना 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 है शो होटल बुक करके के लिए छोड़ दो। मामा कह रहे इससे ज्यादा हाइट पे चलेंगे हम। चलें कल चलेंगे कैसे? अच्छा कैसे पता चलता है? अच्छा कैसे पता चलता है इशू कि इसमें वहाँ ऑक्सीजन नहीं है? मुझे सांस नहीं आ रहा था। सांस कैसे नहीं आ रहा था? क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन मिल तो रहा था, मैंने बोला नहीं था ऑक्सीजन सामने तो था, ऑक्सीजन मैंने बोला नहीं था कि ऑक्सीजन दिलवा देता हूँ, ऊपर मास्क लगा के ऑक्सीजन दिलवा देता हूँ। हाँ चलना ना कल चलना, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही। उससे भी ज्यादा हाइट पे मैं